हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो गाइज, एक और नए वीडियो के साथ हम आ चुके हैं और इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि आप किसी भी एप्लीकेशन का बीटा वर्ज़न कैसे ज्वाइन कर सकते हैं और ये बीटा वर्ज़न जो है ज्वाइन करने से हम लोग को क्या क्या फ़ायदा होता है, तो सब कुछ इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं। तो गाइज, अगर आप लोग भी समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। एंड चलिए अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो बीटा वर्जन होता है गाइज, इसको अगर हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं किसी एप्लीकेशन का, तो उसमें क्या होगा कि जब हम लोग को प्ले स्टोर पर जो है इसको पहले ही कोई भी अपडेट अगर उस एप्लीकेशन में आएगा तो इसको हमें पहले ही दे दिया जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर किसी एप्लीकेशन को ले लेता हूँ। आते हैं हम लोग प्ले स्टोर में एंड यहाँ से मैं इंस्टाग्राम को ले लेता हूँ। जैसे इंस्टाग्राम को ले लेते हैं हम लोग एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर जब हम लोग इंस्टाग्राम के थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है ज्वाइन द बीटा। आप लोग इंस्टाग्राम में नहीं, अदर एप्लीकेशन में भी यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ इंस्टाग्राम में, तो यहाँ पर जैसे इसमें लिखा हुआ है ज्वाइन द बीटा वर्जन, तो यहाँ पर ज्वाइन का एक ऑप्शन शो हो रहा है एंड यहाँ पर इसके के बारे में लिखा गया है कि ये कैसे काम करेगा। तो इसको चलिए मैं आप लोग को हिंदी में ट्रांसलेट करके दिखाता हूँ ताकि और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ सके। एंड गाइज, अभी हमने यहाँ पर इसको ट्रांसलेट कर लिया हुआ है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हिंदी शब्द यहाँ पर निकल गया है कि नई सुविधाओं के आधिकारिक रूप से रिलीज होने पर उन्हें पहले आजमाएं और डेवलपर को अपना फीडबैक दें। ऐप के आपके उपयोग पर कुछ डाटा एकत्र किया जाएगा और ऐप को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए डेवलपर के साथ साझा किया जाएगा। सो यहाँ पर देख सकते हैं इसका हिंदी शब्द यहाँ पर यह है, साफ साफ लिखा गया इस तरीके से। अगर आप लोग भी किसी मतलब टेक्स्ट को इंग्लिश वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है कहीं भी और उसको जो है उसका पिक्चर क्लिक करके अगर आप लोग उसका हिंदी शब्द समझना चाहते हैं, तो इस पर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, आप लोग देख सकते हैं उसको जाकर। और उस वीडियो को जो है मैं एंड स्क्रीन में भी लगा दूंगा, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो गाइस जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है कि ये जो है हमें नई सुविधाओं के आधिकारिक रूप से रिलीज होने से पहले उन्हें आजमाने के लिए जो है हमें बीटा वर्जन अगर हम लोग ज्वाइन करके रखेंगे तो कुछ अपडेट जो है वो हमें पहले ही मिल जाएंगे और उसको जो है हम लोग पहले यूज़ कर पाएंगे और अपना जो है फीडबैक वगैरह दे पाएंगे। क्योंकि बीटा वर्जन में ऐसा कुछ सिस्टम है, जैसे आप लोग कुछ जितने भी लोग बीटा वर्जन को ज्वाइन करके रखेंगे उन्हें जो है कुछ अपडेट्स को पहले ही दे दिया जाएगा और वो जो है अपडेट्स जो हो यूज़र को पसंद आएगा अगर, तो वो जो है अपना फीडबैक वगैरह देंगे। अगर फीडबैक अच्छा होगा तो वो जो अपडेट है वो अपना जो एप्लीकेशन का डेवलपर जो होगा वो उस अपडेट को जो है वो आगे बढ़ाना चाहेगा या फिर क्या करना है वो इस तरीके से समझ पाएगा। ठीक है, एंड इस तरीके से आप लोग कुछ जो ऑप्शंस होते हैं कुछ अपडेट में उन सभी फीचर्स को पहले ही यूज़ कर पाएंगे इस तरीके से। एंड इसको ज्वाइन करने के लिए फिर आप लोग को यहीं पर आ जाना है सिंपल सा। तो अभी हम लोग यहाँ पर ज्वाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से फिर आप लोग को ज्वाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो गाइज हम लोग जो है यहाँ पर बीटा वर्जन में ज्वाइन हो चुके हैं एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लीव के लिए बोला जा रहा है। अगर आप लोग फ्यूचर में अगर नहीं ज्वाइन होना चाहते हैं तो इस तरीके से आप लोग उसमें लीव भी कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं उसको। एंड यहाँ पर अभी जो है हम लोग इसमें ज्वाइन हो चुके हैं। ठीक है, इस तरीके से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इंस्टाग्राम बीटा करके यहाँ पर शो कर रहा है, अभी हम लोग ज्वाइन हो चुके हैं। एंड यहाँ पर देखिए हमें अपडेट भी आ चुका है, अपडेट कोई ज्वाइन करने के बाद कोई आया होगा अपडेट वगैरह, तो इसको अभी अपडेट करते हैं, देखते हैं हम लोग क्या आया। सो गाइज, इस तरीके से आप लोग किसी भी एप्लीकेशन का बीटा वर्जन ज्वाइन कर सकते हैं। एंड इस वीडियो में केवल इतना ही था और आज का ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आएंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।